ओके। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए ही बारिश से राहत मिली थी और बारिश यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई हल्की हल्की सी। देखिए और बच्चे अंदर खेल रहे हैं। बच्चों की आई है आज धोनी वो गाड़ी, आज नहीं कल आई थी, जब मैं आई थी घर से तब ये लेकर आए हैं। ये देखिए, और ये है पार्थ की, ऑरेंज वाली, और पिंक वाली है वानी की। और मेरे लड्डू बैठे हैं यहाँ पर, लड्डू को भोग लगाने वाली हूँ अभी मैं। अभी मैंने बनाया है आलू का हलवा, क्योंकि मुझे आलू का हलवा ही खा सकती हूँ मैं मीठे में। व्रत है आज मेरा एकादशी का, जैसे कि आप सबको बताया था मैंने, और इस वजह से मैंने अपने लिए बनाया है आलू का हलवा। और अभी मैं बनाऊँगी चाय, उसके बाद मैं लड्डू को भोग लगाऊँगी और फिर अपना व्रत खोलूँगी। सो फ्रेंड्स, चाय भी रेडी है और हलवा भी रेडी है, तो चलिए अभी फ़िलहाल भोग लगा देते हैं अपने लड्डू जी को। ये देखिए, ओ माय गॉड, हलवा और चाय। कान्हा जी को भोग लगा दिया है, कान्हा जी को हलवा और चाय खा रहे हैं कान्हा जी। वानी भोग लगा दिए कान्हा जी को, तो आ जाइए आप भी जल्दी से भोग लगाने के लिए, खाना खाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पार्थ मामा मस्ती व्लॉग पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं क्रंच करने वाली हूँ, ये मैंने बहुत देर से वेट की, वैसे मैंने कल भी वेट की थी जो कि थंबनेल पिक में आप सब देखेंगे, लेकिन फिर मैं कल ये वाली वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, रात लेट हो गई थी मैं। अभी भी मैंने इसको काफ़ी देर से वेट किया हुआ, ये वो वाली मटकी जो हार्ड निकल गई थी मेरी, और इसके साथ में इसको भी क्रंच करूँगी, ये सुराही भी क्रंच करूँगी इसके साथ में। ये मेरी एक मटकी का बेस पार्ट था, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड निकला था उस टाइम, मैंने रैंडमली क्रंच किया था जिस टाइम, और ये अभी काफ़ी देर से वेट है, शायद ये सॉफ्ट हो जाए। काफ़ी देर से मतलब 10 मिनट तो हो गए होंगे इसको वेट होते होते, और ये मैंने वॉश की ओनली। ये बहुत अर्दी खुशबू आ रही है इसमें से भी, इस आई है, सर्दी हो रही है, बाहर आ गई थी बिल्ली, और बाहर जाके मुझे सर्दी लगने लगी। बिल्ली को मैं भगाने गई थी, बिल्ली परेशान कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, बाहर से आवाज़ आ रही थी बिल्ली की, बार बार मेरा ध्यान वही रहता, फिर वीडियो बनाते बनाते। और मेरे लड्डू पीछे विश्राम कर रहे हैं, देखिए विश्राम करा दिया है मैंने लड्डू को, और बच्चे भी सो गए हैं। ये देखिए सब सोए हुए हैं, पार्थ भी सो गया है, पार्थ की डैडी भी, वानी भी, बस मैं ही जगी हुई हूँ अकेली, सब सो गए हैं खाना वगैरह खा कर। फिलहाल मैं यही क्रंच करने वाली हूँ। वैसे नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि मेरी ओर से। अच्छे से फास्ट रखिए आप सब, मैं भी फास्ट रखती हूँ, लेकिन क्रंच मैं फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। मैंने अखंड ज्योत जलाई हुई है, जिसने मेरे व्लॉग नहीं देखे वानी मम्मा व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी व्लॉग आते रहते हैं, इस चैनल पर भी मेरे व्लॉग आते रहते हैं, उस चैनल पर भी व्लॉग आते रहते हैं। सो आप सब इन्जॉय करना चाहते हैं मेरा व्लॉग, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मेरा मन होता है इस पर व्लॉग डाल देती हूँ, जब होता है उस पर डाल देती हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ आती रहती हैं दोनों चैनल पर। सो फ्रेंड्स, जिसने वानी मम्मा व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सब जैसे सबको सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही मुझे करो। मैं भी तो ऐसे ही क्रंच करती हूँ भाई, जैसे सब करते हैं, मैं सबकी क्रंच वीडियोज़ पर देखती हूँ, इतने अच्छे अच्छे से व्यूज आ जाते हैं। मतलब मेरी एक हफ्ते पहले वाली वीडियोज़ पर इतने व्यू नहीं हैं जितनी बाकी क्रंचेस के 1 और 2 और में व्यूज़ आ जाते हैं, 1 और 5 के 3 और 6 के सभी क्रंचेस की वीडियोस में देखती रहती हूँ। अपनी वाइट स्टोरी देखने के साथ साथ मैं सभी क्रंचेस की वीडियोस भी देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ आखिर मेरे क्रंच में ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आप सब वो प्यार नहीं देते हो। तो चलिए क्रंच स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर और वाइट रहने देते हैं इसको, नहीं पहले इसी को क्रंच करूँगी मैं, कभी ये मेरा टेस्ट बाद में ख़राब कर दे। नहीं भाई, ये तो बहुत हार्ड है अभी भी,
लिप्स भी रेड हैं और टीथ भी रेड हैं, लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अम्मी, बहुत हल्दी, बहुत क्रंची, बहुत टेस्टी है। अभी मुझे याद आया वो वाली भी मेरी सुराही ही थी जिसका बेस पार्ट मैंने वेट करके क्रंच किया है, वो भी सुराही ही थी। जब इस वाली सुराही का बेस पार्ट हार्ड निकला तब मुझे याद आया ओहो वो भी वही वाली सेम सेम सुराही थी, क्योंकि जैसे इसका बेस पार्ट निकला है वो भी वैसा ही था, वो कुछ ज़्यादा हार्ड था, ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन मुझे लगा था शायद ये भी हार्ड निकले, ब्लैक 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 सा ऐसा ही था जैसे मैंने क्रंच किया, तो आप सबको मैंने बीच में दिखाया भी था, शायद ना दिखाओ इसलिए मैंने इसको बोतल में डाल दिया था। और वेट होने के बाद तो उसका टेस्ट ही चेंज हो गया एकदम से, बहुत अर्दी, बहुत 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 ज़्यादा अर्दी लगने लगी फिर उस सुराही वेट होने के बाद। बल्कि जो पहले वाली थी वो हार्ड थी, तो वेट होने के बाद उसका टेस्ट कुछ अच्छा आया था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना सेकेंड वाली का अच्छा है वेट होने के बाद। बहुत ज़्यादा अर्दी, ड्राई भी अर्दी था और वेट भी अर्दी था, बहुत ज़्यादा अर्दी, क्रंची, टेस्टी, ऑसम। सो डन, क्रंच पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, शेयर करना। एंड न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ 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 बेल आइकन के साथ, ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट अभी रात हो रही है, पता नहीं ये वीडियो कल आपको सुबह मिलेगी या फिर शाम वाली में मिलेगी, ऐसे ही बोल दिया गुड नाइट तो मैंने। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।